हेलो गाइस, आई एम राजकुमार सोनी, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी. आई वेलकम यू ऑल इन माय कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट 1. वी हैव टू प्रैक्टिस सेट्स हियर. हम सब जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एंड इंग्लिश पेपर का एक बहुत ही बड़ा पोर्सन 20-25% कवर करता है. तो हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स लेके आएंगे और मेरिट में भी, न केवल हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे बल्कि मेरिट में भी हम बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे. मेरे कुछ कैंडिडेट्स थे हैं जिन्होंने रिटेन एग्ज़ाम अभी नेवी के एग्ज़ाम में, SSR अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि मार्क्स कम था. तो अब हम वो नौबत नहीं आने देंगे, कॉम्प्रिहेंशन के फुल मार्क्स को हम लेंगे. आइए शुरू करते हैं. बहुत ही अच्छा पैसेज है, सो रीड द पैसेज. जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम में डायरेक्टिव ऐसे मिलेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ओके, सो डोंट स्टडी टू लॉन्ग. व्यूअर्स, एक और बात है, आपका सबका अपना अपना तरीका होता है पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का. आपका भी अपना कुछ होगा, बट रिकमेंडेड ये है कि आप एक बार पैसेज को पढ़ने से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में हार्डली 30-40 सेकेंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और एक पैसेज भी होता है, उसमें आपको आंसर भी देना है. तो कई बार क्या होता है कि इतना ईजी नहीं होता उस पैसेज से आंसर देना. तो रिकमेंडेड यह भी है कि आप क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर उसमें पैसेज को पढ़ें. कई बार क्या होता है कि आपको इजी क्वेश्चन मिल जाता है, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम एंड फ्रेज का, तो उसके लिए आपको पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती. आप ऑटोमेटिकली उस वोकैबुलरी के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. आई रिपीट, कई बार क्या होता है कि आपको पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में कुछ क्वेश्चन वोकैबुलरी से आते हैं, जो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एट्सेट्रा के होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आपको पैसेज की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. वो आपको वोकैबुलरी का जो नॉलेज है आपका, वही सफिशियंट है. फाइन, तो हम एक बार जस्ट हल्के से एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन. व्हाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन डोंट स्टडी टू लॉन्ग, द ऑथर सजेस्ट. ओके, कुछ स्टडी की बात हो रही है. फाइन द अंडरलाइंग टोन ऑफ पैसेज, पैसेज का टोन के बारे में बात हो रहा है. अ मैन फील्स दैट ही इज एग्जॉस्टेड. ओके, एक आदमी थका हुआ कब है, एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ. फाइन, द राइटर सजेस्ट दैट द मेन कॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन. ओके, कुछ नर्वस ब्रेकडाउन की बात हो रही है. चलिए, हमने 4 क्वेश्चन देख लिया, इस पैसेज में 4 ही क्वेश्चन है, अब हम जल्दी से इसका आंसर देंगे. ओके, सो डोंट स्टडी टू लॉन्ग एट वंस. ओके, लंबा समय एक साथ नहीं पढ़ना है. फाइन, ये भी हमारे प्रिपरेशन का एक पार्ट है. सो लॉन्ग एज द माइंड वर्क्स विद ईज, जब तक माइंड जो है ईज मैंने आराम से काम करता है, इट मे बी अलाउड टू कंटिन्यू वॉकिंग. वट If you find it moves slowly and extra trouble is needed to keep attention fixed. देखिए, ध्यान दीजिए, as long as the mind works with it, जब तक दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, okay, it may be allowed to continue working. तो इसको हम काम करने दे सकते हैं. बट इफ़ यू फाइंड इट मूव स्लोली, लेकिन जब हम पाते हैं कि ये धीरे हो गया, अभी धीरे काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड एक्स्ट्रा ट्रबल इज नीडेड टू कीप अटेंशन फिक्स्ड, और कुछ एक्स्ट्रा ट्रबल लेना होता है इसको ध्यान को लगाने के लिए, मतलब आपका ध्यान लग नहीं रहा है लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, इट इज़ फार बेटर टू ब्रेक ऑफ एंड टेक अ वॉक और हैव सम अदर रिक्रिएशन. तो इससे बेटर है, ज़बरदस्ती करने से बेहतर है कि थोड़ा सा ब्रेक ऑफ, अलग हो जाने के लिए थोड़ा सा आप अलग हो जाएं, ब्रेक ले लें, एंड टेक अ वॉक, थोड़ा वॉकिंग कर ले या कुछ अदर रिक्रिएशन, मनोरंजन कर ले, देन टू गो ऑन प्लॉडिंग अंटिल वन फील्स होली एग्जॉस्टेड. कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती करने के बजाय, प्लॉडिंग का मतलब होता है थके हम मन से करना, तो प्लॉडिंग करने के बजाय जब तक आप पूरा थक नहीं जाते, एग्जॉस्टेड माने थका होना, तो प्लॉडिंग करने के बजाय या पूरा थकने के बजाय क्या करना है आपको, थोड़ा सा रिक्रिएशन ले लेना है, वॉकिंग कर लेना है या थोड़ा ब्रेक ले लेना है. फाइन, टू कंटिन्यू टू फोर्स द माइंड टू वर्क इज लाइकली टू लीड टू इंजूरियस रिजल्ट. ओके, यदि आप माइंड के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या होता है, वो इंजूरियस रिजल्ट लेके आता है, हानिकारक रिजल्ट, एंड मे एंड इन अ नर्वस ब्रेकडाउन. आपका नर्वस सिस्टम, जो हमारे सिर में है नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, फ्रॉम विच रिकवरी स्लो एंड ट्रबलसम, जिससे रिकवरी और ये जो परेशानी है, ट्रबलसम है, वो बहुत मुश्किल होता है, और जो रिकवरी वो भी बहुत स्लो है. फाइन, और इतना आसान नहीं होता, ट्रबलसम मतलब इतना आसान नहीं है रिकवरी. ओके, बिकॉज इट्स इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन. फाइन, दिस इज द रीज़न. ओके,
क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन डोंट स्टडी टू लॉन्ग द ऑथर सजेस्ट दैट. ओके, ऑथर बोलते हैं कि लंबा नहीं पढ़ना है, लंबे समय तक क्यों नहीं पढ़ना है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. व्यूअर्स ध्यान रखेंगे आप कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में आप कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे कि एकदम ऑथर ने एकदम मना कर दिया या एकदम ओपन खुला छोड़ दिया, नहीं. तो ये एक्सिस बात हो रही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये एकदम एक्सट्रीम में इन्होंने ये ऑप्शन दिया है, तो कभी भी एक्सट्रीम वाले ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना है. ओके, सो डोंट स्टडी टू लॉन्ग, पहला ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं. डोंट स्टडी टू लॉन्ग, ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप स्टडी नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा. आप आगे पढ़ते हैं ऑप्शन. रीडिंग कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स इज टायरिंग. ओके, लंबे समय तक पढ़ना थकान देता हो, ओके फाइन. माइंड इज डेलिकेट एंड इट शुड नॉट बी टैक्स्ड टू मच. नहीं, ये तो ऑप्शन है नहीं, माइंड डेलिकेट की बात नहीं हो रही है. टैक्सिंग मतलब ज्यादा काम नहीं लेना, ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है. ओके, ऑप्शन डी, डूइंग मेंटल वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट मे कॉज सीरियस इंजुरी टू द मैन. यस, दिस इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि ज्यादा हम मेंटल वर्क करेंगे एक सर्टेन लिमिट के बाद तो हमारा इंजुरी हो जाएगा. कहाँ पे बात किया गया है कि टू कंटिन्यू द फोर्स द माइंड टू वर्क इज लाइकली टू लीड टू द इंजूरियस रिजल्ट एंड मे इंड इन अ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम विच रिकवरी इज स्लो. सो ये बेसिकली मेन बात है, इंजूरियस रिजल्ट, यदि आप फोर्स करेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे तो पहले का आंसर डी. ओके, द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज इज दैट. अंडरलाइन टोन, यहाँ पे ऑथर की टोन की बात हो रही है कि ऑथर किस टोन में बात कर रहे हैं, है ना, किस सेंस में बात कर रहे हैं. आइए, मैन शुड वर्क विद इन लिमिट्स. ओके, ये भी एक, चलिए हो सकता है, रिजर्व रखते हैं. मैन इज डेलिकेट एंड शुड बी हैंडल केयरफुली. नो, ये तो है नहीं. एंड इंजुरी टू द माइंड इज मोर डिफिकल्ट टू क्योर दैन एन इंजुरी टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. पार्ट है ये, पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, इसको भी रिजर्व करते हैं. माइंड कंट्रोल्स द इंटायर फिजिकल सिस्टम एंड शुड बी केप्ट इन अ परफेक्ट स्टेट. नहीं, यदि आप देखिए, आपको पैसेज में ये ध्यान रखना है कि आपको पैसेज से बाहर नहीं जाना है. जो ऑथर ने जितना बताया है, जितना दिया है, उसी चीज पे ध्यान रखना है. तो यहां पे आप देखेंगे, ये सी वाला जो पॉइंट है, एन इंजरी टू द माइंड इज मोर डिफिकल्ट टू क्योर दैन एन इंजरी टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. यहां पे है सेम वर्क, इट बिकॉज विच रिकवरी इज स्लो एंड ट्रबलसम. ये जो नर्वस ब्रेकडाउन होने के बाद रिकवरी इतनी आसान नहीं है. तो आसान है मतलब क्या है, दूसरे पार्ट में चोट लगता है तो आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन माइंड में जब चोट लगता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, तो इतना आसान नहीं होता क्योर होना. सो ऑप्शन सी, अ मैन फील्स दैट ही इज एग्जॉस्टेड व्हेन. ओके, एक आदमी को फील होता है कि वो थका हुआ है, कब, ही फाइंड्स हिज माइंड वर्किंग स्लोली. ओके, ही हैज अ हेडेक. हेडेक वाली तो बात नहीं हो रही, हटाइए इसको. हिज थॉट प्रोसेस इज क्लाउडेड. ओके, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट. यस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कि एक आदमी को क्या होता है. यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे मैंने एक एक चीज को मार्क किया है कि क्यों ये आंसर ऐसा है, क्यों सही है. देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आप, व्हेन वी फाइंड इट मूव स्लोली, सेकेंड लाइन में, एंड एक्स्ट्रा ट्रबल इज नीडेड टू कीप अटेंशन फिक्स्ड. इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप थक जाते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा अटेंशन लगाना होता है उसको कंसंट्रेट करने के लिए. तो इसका मतलब है क्या है कि ये आदमी थका हुआ है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. या नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर, कितना अच्छे से जल्दी से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको पैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि 30 सेकंड 40 35 सेकंड दूसरे क्वेश्चंस भी हमको देखने हैं. द राइटर सजेस्ट दैट द मेन कॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन इज. ओके, मेन कॉज क्या है, अ लाइफ ऑफ एग्जाइटी. नो, टू मच वर्क एंड लिटल डाइवर्सन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक्सेसिव मेंटल वर्क लीडिंग एक्सॉशन. ओके, यही ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है. अस्ट्रेनियस लाइफ, नहीं, थका तनाव वाला लाइफ नहीं है एक तरह से. फाइन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ओके, सो आई होप यू enjoyed दिस पैसेज. इसका आंसर भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं. रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, ब्रेक ऑफ अलग होना, प्लॉट धीरे धीरे काम करना, या थके कदमों से चलना, जिसको प्लॉडिंग वर्ड यूज हुआ था वहाँ पे, एग्जॉस्टेड थका, इंजूरियस हानिकारक, ट्रबलसम परेशानी. तो डू, मैंने ये भी मैंने इंडिकेट किया है, इनकेस आप बाद में वीडियो रेफर करते हैं तो भी ईजी है. सो वन कडी, क्योंकि वो जो माइंड लाइकली टू लीड अ इंजूरियस लेट जो लाइन था, वो जो चीज़ है उसको इंडिकेट कर रहा है. सी भी यही सेम मैंने किया हुआ है, दो, इनफैक्ट सी के दो लाइन है जो इंडिकेट करते हैं उस आंसर को. डी में भी सेम वही बात आ रही है. अब फोर का, सी, टू कंटिन्यू टू फोर्स द माइंड इज वर्क लाइक टू इन एंड मे इंड इन अ नर्वस ब्रेकडाउन. सो फोर का जो ऑप्शन सी था वो